धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, परसों 29 तारीख को तो श्री शोभा सरन साहब जी की श्रद्धांजलि थी। कल विधिवत सत्संग का कार्यक्रम चला और आज भी 10:30 बजे से सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। और कल और आज जिन संतों साधकों साधियों का विचार, उनके प्रवचन जो हम लोगों ने सुना, उसके पश्चात कुछ और कहने को बाकी रह नहीं जाता है। सब कुछ तो आ गया है। जीवन का ऐसा कौन सा पक्ष है जिस पर संतों ने गुरुजनों ने अपने विचार व्यक्त न किए। कार्यक्रम की समापन वेला है। बस कुछ निवेदन आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। हमारा जो जीवन है, जिसे गुरुजनों का कहना है कि अनेक जन्मों के पुण्य संस्कारों का जब उदय होता है तो मानव जीवन की प्राप्ति होती है। बड़े सौभाग्य से मानव जीवन हम सबको मिला है। अब प्रश्न यह है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को हमें समझना है। गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे, मानव जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं करना है, पहले से ही निर्धारित है, बस उसे समझना है और प्राप्त करने के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करना है। मानव जीवन का उद्देश्य कल्याण मोक्ष की प्राप्ति, मानव जीवन का उद्देश्य कर्म बंधनों से छुटकारा। किंतु इतने से काम नहीं बनेगा, उसके पहले कुछ हमारी मजबूरियां होती है, कुछ जिम्मेदारियां होती है जिनका निर्वहन और पालन भी हमें करना होता है। तीन बिंदुओं पर हम थोड़ी चर्चा करें। मजबूरी, जिम्मेदारी और उद्देश्य। मजबूरी क्या है? जिसके बिना जीवन जीना असंभव है। और वह है भोजन। भोजन करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। यदि उद्देश्य होता तो भोजन तो पशु पक्षी कृमि कीट भी करते हैं अपने अपने ढंग से, अपना अपना भोजन। मजबूरी है क्योंकि बिना खाए हम जीवित नहीं रह सकते। और जब बिना खाए जीवित ही नहीं रहेंगे, शरीर ही नहीं रहेगा, तो कल्याण के लिए हम प्रयत्न पुरुषार्थ साधना कैसे कर पाएंगे? कल्याण के लिए, वासनाओं की निवृत्ति के लिए, कर्म बंधनों से छुटकारा पाने के लिए,
यदि प्रयत्न पुरुषार्थ साधना भजन करना है तो इस शरीर को जीवित भी रखना है और जीवित ही नहीं रखना है, इसको स्वस्थ निरोग भी रखना है। तो पहली है मजबूरी और वह है हमारा भोजन। लेकिन हमारा भोजन आकाश से टपकेगा नहीं, जमीन से अपने आप प्रकट नहीं होगा, उसे पाने के लिए मेहनत करनी होगी। चाहे कोई खेती करे, चाहे नौकरी करे, चाहे दुकान करे, व्यापार करे, या कोई मेहनत मजदूरी करे, कुछ भी करे, एक करना होगा, तब भोजन मिलेगा, तब भोजन मुख में जाएगा, शरीर का निर्वाह होगा। ध्यान इतना ही देना है, खेती नौकरी व्यापार मेहनत मजदूरी जो कुछ भी करें समर्पित भाव से करें, श्रद्धा से करें, भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक करें। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम केवल काम होता है और हर काम की आवश्यकता होती है। जितना बड़ा काम कमरे के अंदर कुर्सी पर बैठ करके ऑफिस में बैठ करके करना होता है, उतना ही बड़ा काम सड़क में झाड़ू लगाना भी होता है। हम मान लेते हैं कुर्सी टेबल कुर्सी पर बैठ करके लिखना पढ़ना ही बड़ा काम है, या मंदिर में बैठ करके किसी जगह बैठ करके पूजा प्रार्थना करना बड़ा काम है और सड़क पर झाड़ू लगाना छोटा काम है। ये हमारी भूल है। यदि सड़क पर झाड़ू कोई न लगाता या न लगाए, घर में कोई भोजन न बनाए, हमारे लिए कोई कपड़ा न बुने, तो हम दफ्तर में बैठकर दफ्तर में कुर्सी के अंदर बैठकर क्या लिखने पढ़ने का काम कर सकते हैं? किसी ने सड़क पर झाड़ू लगाया, किसी ने घर में झाड़ू लगाया, किसी ने हमारे लिए भोजन बनाया, किसी ने हमारे कपड़े धोए, किसी ने हमारे लिए कपड़ा सिला, किसी ने हमारे लिए कपड़ा बुना, किसी ने हमारे खाए बर्तन को धोया, तब हम जाकर के दफ्तर में आराम से बैठकर कुर्सी पर काम कर पाते हैं। इतने काम जब कोई कर पाता करता है, उनके सहयोग से जीवन चलता है, तब हम मंदिर में बैठ करके पूजा कर पाते हैं। मंदिर में बैठे हुए पुजारी के लिए कोई भोजन न बनाए, खेती ना करे, उसे कोई कपड़ा ना दे, उसके लिए कोई बर्तन न मांज झाड़ू न लगाए, तो मंदिर में उसके बैठकर पूजा करना संभव नहीं होगा। तो जितना पवित्र काम मंदिर में बैठकर के पूजा करना है, प्रार्थना करना है, भजन ध्यान करना है, जितना बड़ा काम एयर कंडीशन कमरे में कुर्सी पर बैठ करके काम करना है, उतना ही पवित्र काम और उतना ही बड़ा काम सड़क पर झाड़ू लगाना, घर में भोजन बनाना, बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, ये सब खेती किसानी करना, वो सब है। इसलिए जो आदमी जहां है जैसा है जो कुछ कर रहा है, श्रद्धा पूर्वक समर्पित होकर प्रेम से करे, तो किसी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। मन प्रसन्न रहेगा, उत्पादन बढ़िया होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो भोजन करना,
खेती किसानी मेहनत मजदूरी नौकरी व्यापार करना ये मजबूरी है, उद्देश्य नहीं है। यदि हम उद्देश्य मान लें तो हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं होगा, बल्कि जानवर हमसे अच्छे हो जाएंगे क्योंकि वो मानसिक तनाव नहीं है, शरीर से कोई बीमारी नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है उनमें, कला कल्पना नहीं, मुकदमाबाजी नहीं, ईर्ष्या द्वेष नहीं, घृणा नहीं है, बैर विरोध नहीं है। मजबूरी को मजबूरी ही रहने दें, उद्देश्य ना बना लें इसको, उद्देश्य कुछ और है। मजबूरी के बाद जिम्मेदारी है। आदमी अकेला नहीं रह सकता, किसी न किसी के संग साथ ही उसे रहना होता है। यह भी बात है कि दुनिया में सभी लोग जीवन पर्यंत संयम से नहीं रह पाते और नहीं रह पाएंगे, इसलिए लोग एक उम्र होने पश्चात शादी करते हैं। शादी किए तो पति पत्नी साथ बन गए, माता पिता तो है ही, चाचा चाची हैं, फिर बच्चे हुए उनके साथ गुजर करना होता है, जीवन यात्रा के साथी हैं, संगी हैं, सहयोगी हैं। शादी विवाह नहीं किए, साधु मार्ग में आ गए, गृहस्थ आश्रम छोड़ करके विरक्ति आश्रम में आ गए, तो यहाँ गुरु हैं, गुरु भाई हैं, शिष्य हैं, भगत हैं, उनके संग साथ रहना होता है। अकेले कैसे रहोगे आप? तो चाहे घर परिवार में रहें, चाहे मठ आश्रम में रहें, जिनके साथ रहना होता है उनके लिए जिम्मेदारी होती है, उनके लिए हमारे कर्तव्य होता है। उस जिम्मेदारी को आप कर्तव्य भी कह सकते हैं। हमारे जीवन निर्वाह में हमारे हमें सुविधापूर्वक जीने के लिए अनेक लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, तो हम भी अपने कर्तव्य को अपनी जिम्मेदारी को समझें और इस प्रकार से व्यवहार करें, चाहे घर में रह कर करें, चाहे मठ आश्रम में रह करके करें, इस ढंग से व्यवहार करें कि हमारे व्यवहार से हमारे कर्म से घर परिवार मठ आश्रम में रहने वाले जो सदस्य हैं उन्हें असुविधा ना मिले, उन्हें कष्ट ना हो, उनको प्रसन्नता मिले, सेवा मिले, प्रेरणा मिले। आखिर हम अपने लिए क्या चाहते हैं स्वयं सोच लेना है कि मैं अपने लिए क्या चाहता हूं। जो जो मैं दूसरों से अपने लिए चाहता हूं वही वही मुझे दूसरों के साथ करना होगा, और जो जो मैं दूसरों से अपने लिए नहीं चाहता, दूसरों के जिस व्यवहार से, जिस आचरण से, जिस कर्म से, जिस बात से मुझे शारीरिक और मानसिक कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, असुविधा मिलती है, उस बात व्यवहार कर्म आचरण का त्याग करना होगा। तब चाहे घर परिवार हो, चाहे मठ आश्रम हो, उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। चाहे घर हो, चाहे मठ आश्रम हो, सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी एक को अगुवा मानना पड़ता है, बड़ा मानना पड़ता है। उसे आप घर का मालिक कहें,
मुखिया कहें या मठ का गुरु कहें, महंत कहें, अध्यक्ष कहें, व्यवस्थापक कहें, किसी न किसी को मानना पड़ेगा। अब कोई किसी को बड़ा ना माने तो ना घर चलेगा ना मठ चलेगा। यदि घर परिवार मठ आश्रम समाज छोटी बड़ी जो भी जितनी भी संस्थाएं हैं वहां के लोग किसी एक को बड़ा मानकर, अब बड़ा चाहे उम्र से मानो उसे, वस्तुतः बड़ा तो होता है योग्यता से, बुद्धि से, सेवा से, परिश्रम से, जिसे समाज को अधिक लाभ मिलता है उसे बड़ा मानना होता है। जब तो घर परिवार मठ आश्रम या कोई छोटी बड़ी सभा सोसाइटी पार्टी के लोग किसी एक को बड़ा मानकर उसके निर्देश में काम करते हैं, उसकी सलाह से लेकर के काम करते हैं, उसकी आज्ञा से काम करते हैं, तो घर परिवार मठ आश्रम समाज पार्टी उत्तरोत्तर आगे बढ़ती जाएगी, विकास करता चले जाएगा। ये नियम है। किंतु जिस घर परिवार मठ आश्रम में या संस्था पार्टी में सभी लोग अपने को बड़ा मानने लग जाए उसको विनाश होने में समय नहीं लगेगा। जहां सभी लोग मानते हैं हम बड़े, हम उनसे क्यों राय ले, हम उनसे क्या कम है, क्या हम पहले के साधु हैं, हम बड़े गुरु भाई हैं, हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और हम बहुत मेहनत करते हैं, हम उसको क्यों बड़ा माने। फिर ऐसे परिवार को, ऐसे समाज को, ऐसे मठ आश्रम को बिखरने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। चाहे बड़े बड़े योग्य क्यों ना हो, उसमें बहुत योग्य योग्य लोग हैं, उनकी योग्यताओं में प्रतिभाओं में कोई कमी नहीं, एक से एक बढ़ करके हैं। और हर आदमी को अपनी योग्यता का, अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का, अपनी प्रतिभा का अहंकार होता है। सोचें कि मुझ में ये योग्यता है, ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रतिभा है, ऐसा बल है, मैं ये कर सकता हूं, क्यों मैं बड़ा मानूं, क्यों राय लूं। फिर घर परिवार को बिनसने में देर नहीं लगेगा और मठ आश्रम को बिनसने में देर नहीं लगेगा, पार्टी समाज संस्था को भी बिनसने में देर नहीं लगेगा। कितने बड़े योग्य क्यों ना हो जाएं, किसी न किसी एक को तो मुखिया चुनना होगा। और जब मुखिया चुना तो उसके निर्देश में काम करना होगा, उसे राय लेकर के काम करना होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है मुखिया से भी गलती होती है, अब वो भी आदमी है, सारी बात वो नहीं समझ सकता। मुखिया निर्देश दे रहा है गलत है, वो आज्ञा दे रहा है गलत है, तो कहा जा सकता है आपकी ये बात गलत है, ऐसा करने से नुकसान हो जाएगा, उन्हें समझाना होगा, फिर आखिर वो भी समझ जाएंगे। मैं ये कह रहा था कि जहां रहना होता है वहां कुछ हमारी जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी में जो लोग हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, कोई भी हो, सबको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि मेरे व्यवहार कर्म आचरण से छोटे बड़े किसी को तकलीफ न होने पाए, असुविधा ना मिलने पाए। प्रेम होगा, विश्वास होगा, सेवा होगी, तो जिम्मेदारी का निर्वाह बहुत बढ़िया होगा। प्रेम नहीं है, साथियों पर विश्वास नहीं है, सेवा की भावना नहीं है, तो फिर जिम्मेदारी निर्वाह बढ़िया नहीं होगा। एक बात हम सबको ध्यान रखना है, क्योंकि साधु हो चाहे गृहस्थ हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे जिस उम्र के हो, कम ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो,
भाई भाई का रिश्ता हो, पिता पुत्र का रिश्ता हो, देवरान जेठान का रिश्ता हो और ननद भावज का रिश्ता हो, चाहे गुरु शिष्य का रिश्ता हो, गुरु भाई का रिश्ता हो, गुरु शिष्य का रिश्ता हो, आपस के रिश्तों में कभी भी पैसे को ना आने दे बीच में। जब पति पत्नी के रिश्ते के बीच में, पिता पुत्र के रिश्ते के बीच में, सास बहू के रिश्ते के बीच में, भाई भाई के रिश्ते के बीच में, गुरु शिष्य के बीच रिश्ते के बीच में, गुरु भाई के रिश्ते के बीच में पैसा आया, अधिकार आया, तो विनाश होने में समय नहीं लगने वाला है, याद रखना। रिश्ते को महत्व देना है या पैसे को महत्व देना है, रिश्ते को महत्व देना है या अधिकार को महत्व देना है, अधिकार को महत्व देना है तो रिश्ते से प्यार मिलेगा ये बात भूल जाए। पैसे को महत्व देना है तो सामने वाले से मुझे आदर मिलेगा ये बात भूल जाए। चाहे घर हो, मठ हो, आश्रम हो, नियम सबके लिए एक बराबर होगा। चाहे दो मित्र ही क्यों ना हो, रिश्ता किसी भी प्रकार रिश्ता क्यों ना हो, रिश्ते के बीच में जब तक पैसा नहीं आएगा, खाली रिश्ता के जो प्रेम को महत्व दिया जाएगा, विश्वास को महत्व दिया जाएगा, रिश्ता बखूबी निभेगा और शिकायत की नौबत नहीं आएगी, फिर तो विकास होता चला जाएगा। अपना मन प्रसन्न रहेगा, सबको मन प्रसन्न रहेगा। तो जिम्मेदारी का जो निर्वाह करना है, चाहे पति पत्नी हो, पिता पुत्र कोई भी हो, छोटे बड़े, प्रेम विश्वास सेवा महत्व इनको देना होगा। गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे, धन धन नहीं है, जन धन है। रुपये पैसे कपड़े लत्ते खाना पीना मठ मकान ये धन नहीं है, धन है परिवार समाज मठ में रहने वाले लोग। आप धन कमाना चाहते, धन बटोरना चाहते हो, चाहे घर में रहकर बटोरना चाहते हो, चाहे साधु बनकर बटोरना चाहते हो, किसके लिए बटोरना चाहते हो, लोगों के लिए। और उनसे ही प्रेम नहीं है, उनसे विश्वास नहीं, उनके लिए सेवा की भावना नहीं है, तो आप धन बटोरना ही क्यों चाहते हो? फिर किसके लिए रखोगे धन को? तो जिम्मेदारी में प्रेम को महत्व दें। फिर गुरु प्रसन्न साहब प्रेम पर ही काफी विस्तार से बता रहे थे। विश्वास पैदा करें, विश्वास पैदा होगा निश्चल व्यवहार से, स्वार्थ रहित व्यवहार से, सेवा भावना के व्यवहार से, अधिकार छोड़ करके काम करने से व्यवहार से, छल कपट छोड़ करके व्यवहार करने से, तब विश्वास पैदा होगा और विश्वास से विश्वास मिलेगा। इस बात पर ध्यान देना होगा, जिम्मेदारी का निर्वाह बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर अंतिम में उद्देश्य कल्याण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, परम गति की प्राप्ति, भवबंधनों से छुटकारा कुछ भी कह लें, उद्देश्य वह है जिसे पाने के पश्चात फिर और कुछ पाना न रह जाए, जहां पहुंचने के पश्चात और कहीं जाना ना पड़े, जहां बल्कि मंजिल, जहां हमारी यात्रा समाप्त हो जाए, वो मंजिल वास्तविक मंजिल वही उद्देश्य है। ये धन बटोरना उद्देश्य नहीं, मैंने कहा मजबूरी है। मकान बनाना उद्देश्य नहीं है, मजबूरी है। परिवार बढ़ाना ये उद्देश्य नहीं है, कमजोरी है, क्योंकि संयम से नहीं रह पाए इसलिए परिवार बन गया, अंदर की कमजोरी का परिणाम है। या कुछ और कर लेना ये परिणाम नहीं है। यदि आप गृहस्थी में रह करके ये मानते हो
कि हमने हम इतना बड़ा मकान बना लिए, इतनी जमीन हम खरीद लिए, इतनी जमीन हम बढ़ा लिए, इतना बड़ा व्यापार हम बढ़ा लिए, पढ़ा लिखा अपने बच्चों पढ़ा लिखा कर ऐसा योग्य बना दिए, हम इतनी बड़ी नौकरी करते हैं, हमारा जीवन सफल है, हम धन्य उद्देश्य मिल गया, तो बहुत धोखे में है, याद रखना। और यदि हम ये मानते हैं हम गुरु की शरण में आए हैं और हमने लोगों से सहयोग लेकर के बहुत बड़ा मठ बना लिया और बहुत चेले हमने बना लिया, बड़ा प्रचार कर लिया, हमारा जीवन धन्य है, हम उद्देश्य हैं, तो नरक में डूबा है। मठ बनाने के लिए साधु नहीं हुए हैं, जो भी घर छोड़ा है मठ मजबूरी है, क्योंकि मठ हम जब रहता है तो नए नए साधक आते हैं, उन्हें रहने के लिए अवसर मिलता है, साधना करने के लिए अवसर मिलता है, पुराने जो संत हैं जो बुजुर्ग हैं आगे यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए वहाँ सेवा होती है, मठ में सत्संग होता है, साधना होती है, संत भक्त आते हैं उनकी सेवा होती है, तो वो भी एक मजबूरी है, उद्देश्य नहीं है। और घर छोड़कर जितने भी लोग आए, जब पहली बार घर छोड़े होंगे, घर का त्याग किए होंगे, गुरु शरण में आए होंगे, तब ये सोचकर नहीं आए होंगे सज्जा जाता हूं गुरु जी के पास, इतना बड़ा मठ बना लूंगा मैं, ये तो सोचा भी दिमाग में बात आई भी नहीं रही होगी, यहां आकर के भूल गए, थोड़ी सी पूजा मिल गई, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल गई, थोड़े बोलने की कला आ गई, लोगों को प्रभावित करने की कला आ गई, मालिक हमारा जीवन धन्य है, हम बहुत हो गए, कहा कुछ नहीं है। गुरुदेव जी कहा करते थे, यदि धन बढ़ा तो धन की उन्नति हुई, मकान बड़ा बन गया तो मकान की उन्नति हुई, बड़ा परिवार हो गया परिवार की उन्नति हुई, बड़ा व्यापार हो गया तो व्यापार की उन्नति हुई, हमारी उन्नति कहाँ हुई? हमारी उन्नति तो तब मानी जाएगी जब हमारा मन शीतल हो, शांत हो, संतुष्ट हो, आत्मतृप्त हो, भीतर की जो जलन है, भीतर की जो आग है, वासना की आग, विकारों की आग, ईर्ष्या द्वेष आदि की आग, ये आग बुझ करके भीतर शीतलता का, शांति का अनुभव हो, संसार शरीर संसार का मोह मिट करके जब मन अंतर्मुख आत्मलीन हो तो हमारी उन्नति मानी जाएगी, और उद्देश्य यही है। कहा जाता है एक आदमी को संतान नहीं थी, बड़ी तपस्या की है, भगवान का बहुत भजन की कहानी, उसकी तपस्या से भगवान खुश हो गए, कहा बताओ तुम तपस्या क्यों कर रहे हो, तुम्हारी क्या मांग है, तुम्हारी की इच्छा है, जो वरदान मांगना हम मांग लो। कहा भगवान मेरी कोई संतान नहीं है, एक संतान एक बेटा पैदा हो जाता, भगवान का जाओ तुम्हारा बेटा पैदा हो जाए। 10 महीने के पश्चात उसके घर बेटा पैदा हुआ, अंधा पैदा हुआ, खुशी तो हुई बेटा पैदा हुआ लेकिन अंधा हुआ इसलिए दुख भी हुआ, पाला पोसा बड़ा हुआ, जब वो लड़का बड़ा हो गया तो पूछा कि पिताजी किस पाप के कारण से आदमी अंधा पैदा होता है? तो पिता विद्वान थे, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे, उन्हें कहा बेटा इस पाप से आदमी अंधा होता है, इस पाप से आदमी अंधा, कई ग्रह की इस पाप से आदमी अंधा होता है। पिता की बात सुनकर बेटे ने कहा पिताजी मुझे ऐसे नहीं लगा, मुझे तो लगता है कि अंधा का बेटा ही अंधा होता होगा। बड़ी ठोकर लगी, कहा मैं तो अंधा नहीं हूं, तुमने कैसे कैसे अंधक बेटा कहे? पिताजी मैं बाहर का अंधा हूं,
और आप भीतर के अंधे हैं। ये कैसे? आपने, मैंने सुना है, आप बताए भी हैं कि बहुत उम्र तक आपको संतान पैदा नहीं हुई, तो आपने बहुत दिनों तक तपस्या की, आपकी तपस्या से भगवान खुश हो गए, तो आपने वरदान मांगे मुझे संतान हो। पिताजी भगवान की तपस्या से आप मोक्ष मांग सकते थे, एक मूत्र का कीड़ा बेटा मांगा, आप अंधे तो हैं ही जी। भगवान से आप मोक्ष मांग सकते थे ना, कल्याण मांग सकते थे। आपने इतनी तपस्या की, इतनी साधना की कि मोक्ष न मांग करके, कल्याण न मांग करके आपने बेटा मांगा। पिताजी इसलिए मैं, आप भीतर कंधे मैं बाहर कंधा। एक कहानी, एक मठ में गए गुरुदेव जी, अक्सर कहा करते थे, एक प्रदेश के एक बड़े मठ में गए, बहुत बड़ा मठ, बड़ा शहर, कई शाखाएं, बहुत जमीन, बड़ा उत्साह से कार्यक्रम हुआ। अंत में महंत जी गुरुदेव जी को अपने कमरे में बुलाए और कहा, साहब इतना बड़ा मर्द कैसे नहीं बना है? अमुक जगह मुकदमा था, वहां मैंने मुकदमा लड़ा, वहां जमीन खाली किया। अमुक जगह मुकदमा था, वहां जमीन खाली किया। साहब कई साल तक जिंदगी भर मुकदमा लड़ता रहा, तब ये मठ बना। शाह जी चुपचाप सुनते रहे। जब उन्होंने बंदा बंद किया तो गुरुदेव जी ने पूछा, साहब आपने बड़ा परिश्रम किया, साहब ये बताएं आपका मन शांत है या नहीं है? कहा, वो कहां शांत है, तो साधु कितने हुए थे मुकदमा लड़ने के लिए? मजबूरियां होती है, कोई हमारे मठ पर कब्जा कर रहा है, हम मठ में रहते हैं तो हमारी मजबूरी है, नहीं लड़ेंगे तो आप लोग कहोगे साहब आपको महान बनाया गया, आप क्यों नहीं लड़ रहे हो? लेकिन वो लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, मन शांत या नहीं, जो जैसा वहां काम करना पड़ेगा। बात मैं कर रहा था, एक मठ में गया, महंत ने कहा था गुरुदेव के मन शांत नहीं है, गुरुदेव फिर नहीं कहा, फिर आपने क्या किया? फिर तो तब बेकार गए। एक मठ में एक वहां के व्यवस्थापक ने कहा, साहब ये जो आश्रम है ना, बड़ी मेहनत से मैंने बनवाया है इसे, ये मेरी जिंदगी की तपस्या का फल है, डूबा है, इसी के लिए साधु हुए थे। उतने बढ़िया तो आप लोग बड़े मेहनत, हम लोग तो मठ बनाते हैं, आप लोगों से मांग मांग कर, आप मेहनत से, आप खुद कमाई करते हैं, गाड़ी पसीने के खेत में खलिहान में मेहनत मजदूरी करते हैं, यदि चोटी पसीना एक करते हैं तब आप बड़ा मकान बना पाते हो, और आपकी कमाई से कुछ कुछ मांग करके हम मठ बनाते हैं। यदि हम ये मानते हैं हमने इतना बड़ा मठ बना लिया, हमारा जीवन तपस्या पूरी होगी, आपसे बड़े तपस्वी आप हैं, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं और हम मांग कर बना रहे हैं, आप बड़े तपस्वी हैं, हमें पूजा आपकी करनी चाहिए, फिर तो ये मठ उद्देश्य नहीं है, मठ चलाना भी उद्देश्य नहीं है। मैंने कहा था कि मठ चलाना मजबूरी है, यदि ये मठ न बना होता, सदगुरु श्री राम सुरत साहब जी कृपा ना होती, परम पूज्य गुरुदेव श्री रविदास साहब जी यहाँ ना आते, और फिर सदगुरु श्री राम सुरत साहब गुरुदेव जी समय समय से आए दो जान चाहने के लिए, श्री शोभा सरन साहब यहाँ रह करके इस मठ की व्यवस्था न देखे होते, तो क्या इस मठ में हम और आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होते? उनकी सेवा का परिणाम है, लेकिन ये मजबूरी है, इसीलिए मजबूरी है कि यहाँ संत आए, भक्त आए, सत्संग हो, सेवा हो, साधना हो। लेकिन सेवा सत्संग साधना करके करना क्या है? आत्मकल्याण का काम। मठ बने या ना बने, चेला बने या ना बने, हमें प्रवचन करना आता हो या ना आता हो, गृहस्थी में आप बहुत बड़ा परिवार ना बना पाए, बहुत धन ना कमा पाए, क्यों नहीं, किंतु मन शांत है, संतुलित है, संतुष्ट है, आत्मलीन है, तो जीवन सफल है, और यही उद्देश्य है, इसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है। मजबूरी को भी हमें निभाना है, क्योंकि बिना खाए जिएंगे नहीं, अकेले नहीं रह सकते, साथ में रहना है, घर परिवार मठ आश्रम में, तो उनकी भी हमें सेवा करना है।
तन से सेवा करना है, धन से सेवा करना है, शरीर से सेवा करना है, मन से सेवा करना है, जी किसी प्रकार से सेवा करना हमारी जिम्मेदारी होती है। और मजबूरी और जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सेवा साधना भजन करके कल्याण का काम करना है। जिस किसी ने अपने कल्याण का काम किया, वह बंधन काटने का काम किया, जीवन उसी का धन्य है, जीवन पाना उसी का सार्थक हुआ। और ये कल्याण की प्राप्ति कोई भी मनुष्य कर सकता, कोई भी मनुष्य कर सकता है, कहीं भी रह करके कर सकता है। लगन चाहिए, प्रेम चाहिए, उत्साह चाहिए और वैसा परिश्रम चाहिए। दुनिया में सबसे सरल काम है, सबसे सरल काम तो कल्याण है, मोक्ष का काम। इससे सरल कोई काम नहीं है। सरल क्यों है? कल्याण का काम करने में आपको एक पैसा भी नहीं लगेगा। छोटी सी दुकान करोगे पैसा लगेगा। आप लोग अपने अपने घर से आए हो तो पैसा लगा है। तेल भरवा है गाड़ी में, बस का किराया दो, ट्रेन का किराया दो, पैसा लगा। एक सुई खरीदोगे पैसा लगेगा। दया क्षमा सत्य धीर विवेक विचार के पालन करने में कितना पैसा लगेगा? काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष को छोड़ने में कितना पैसा लगेगा? एक पैसा नहीं लगता। और निरक्षर होकर के अंगूठा छाप होकर आप कल्याण का काम कर सकते हो। जब अंगूठा छाप करके काम करो लोभ में पढ़ सकते हो तो अंगूठा छाप होकर काम करो लोभ का त्याग भी कर सकते हो। न इसमें पढ़ाई चाहिए, न पैसा चाहिए, केवल समझ चाहिए और साधना चाहिए। इतना सरल है कल्याण का काम, फिर कठिन क्यों हो गया है? इसलिए कि आदत बिगड़ गई है, इसलिए कि दुनिया के प्रति हमारी वासना बनी हुई है, मोह बना हुआ है, लगाव आसक्ति बनी हुई है। कल्याण प्राप्त करना कठिन नहीं है, कठिन है मोह का त्याग करना। मोक्ष प्राप्त करना कठिन नहीं है, कठिन है वासना की आसक्ति का त्याग करना। मोह छोड़ दो, वासना का त्याग कर दें, आसक्ति छोड़ दें, शेष क्या बचेगा? कल्याण ही तो बचेगा। जो जहां हैं, जो साधु मार्ग में आए हैं, किसी भी मत पंथ संप्रदाय के हों, उनका तो उद्देश्य ही है कल्याण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। जो घर गृहस्थी में हैं, उन्हें भी उसी गृहस्थी में रहते हुए और खेती बाड़ी नौकरी का व्यापार धंधा करते हुए धीरे धीरे अपने आप को उठाना होगा, उसी में से निकालना होगा। आपने सेवा करें, प्रेम करें, धीरे 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 मन का जो मोह है, मन का जो विकार है, मन की जो आसक्ति है, मन में जो प्रबल बंधन है, सेवा द्वारा, भक्ति द्वारा, परोपकार द्वारा, ध्यान चिंतन द्वारा इसे काटते चलें। धीरे धीरे करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो तीन बातें, मजबूरी, जिम्मेदारी और उद्देश्य। भोजन मजबूरी है, उसके लिए काम करना भी मजबूरी है, उद्देश्य नहीं है, वहीं तक रुकना नहीं है। जिनके साथ रहते हैं उनसे प्रेम, सेवा, समर्पण और विश्वास का व्यवहार करना है। और जब सही ढंग से हम काम करेंगे, जो काम कर रहे हैं प्रेम से करेंगे, समर्पित भाव से करेंगे, सेवा समझ करके करेंगे, चित्त शुद्ध होगा, प्रेम का व्यवहार करेंगे, विश्वासपूर्ण व्यवहार करेंगे, जो जैसा काम वैसा करेंगे तो तनाव दूर होगा, चिंता दूर होगी, मन में जो तमाम पर गांठें बन जाती ये दब दूर हो, जब ये सब जब हो जाएगा तब कल्याण का काम होगा। यदि मजबूरी है निर्वाह का काम, उसे सही ढंग से नहीं किए, जिम्मेदारी निर्वाह सही ढंग से नहीं किए, तो कल्याण का काम कभी भी नहीं हो सकता है। ये समझना होगा, जो चीजें हमें मिलती है किस रूप में मिलती है? सेवा के लिए मिलती है।
बटोरने के लिए नहीं मिलती, बटोर कर तो फिर छोड़ कर चले जाएंगे। कुछ भी चीज मिलती है, अधिकार मिलता है, पद मिलता है, सम्मान मिलता है, चीजें मिलती है, सेवा के लिए मिलती सब। इन्हीं सिर्फ सेवा का साधन माने, अपने को इनका मालिक ना माने। गुरुदेव जी कहा करते थे, मालिक बनकर चाहे घर में रहो चाहे मठ में रहो, मालिक बन करके ना जियो, सेवक बन करके काम करो। अब जो चाहते अपने आप मिलता चला जाएगा। सेवक बनकर जब काम करेंगे तो मोह नहीं होगा, अब मोह नहीं होगा तो कल्याण का काम हो जाएगा। थोड़ी सी चर्चा मैंने आप लोगों के बीच कही, आप तक बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के जो इसे वर्तमान में व्यवस्था देख रहे हैं, किशन जी ने कर्तव्यदाद भी कहते हैं, लखन जी, रामलाल, उमेंद्र जी, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की। और सबको कहना पड़ा कि ऐसी व्यवस्था इस आश्रम में कभी नहीं हुई थी, इतना सुचारू से कभी इतना बड़ा समाज नहीं जुड़ा था। ये तो है, बस सावधानी ये रखना है। जिस प्रकार से ये चारों कर्तव्यदास, लखन, रामलाल और उमेंद्र, और बाद में और भी जो लोग आ गए, समता से, संगठन से मिलजुल करके इस आयोजन की व्यवस्था देख रहे हैं, उसी समता, संगठन, समता, सेवा भाव से आगे भी इस आश्रम की व्यवस्था देखते रहना है। कोई भी हो, आज वो कभी कोई और भी आ गया आ सकते, इसमें अधिकार की भावना छोड़ करके, मैं बड़ा हूं ये भावना छोड़ करके, ये देना मुझे सेवा का अवसर में दिया गया है, मुझे मेरा सौभाग्य। कोई भी आकर यहां रह सकते थे, लेकिन श्री शोभा सरन साहब ने हम पर विश्वास किया है, उनके विश्वास को हमें तोड़ना नहीं है, किंतु उसके विश्वास को और अधिक बना करके अपना कल्याण का काम तो करना ही करना है, इस आश्रम में सेवा करना है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस आश्रम से लाभ मिल सके और अधिक से लोग आकर के प्रेरणा प्राप्त कर कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सके। तो उन लोगों को धन्यवाद भी है, और धन्यवाद के साथ साथ एक निवेदन कहो, निर्देश कहो कि जिस उत्साह से, जिस भावना से अभी इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, उसी भावना से आगे भी मठ की व्यवस्था देखते रहना है। सभी को पुनः पुनः शुभकामनाएं, धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम।